सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जामुन का सीजन चल रहा है। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ ऐसे रोगों का सटीक इलाज बता दूं, जो कि सिर्फ जामुन खाने से 15 से 30 दिनों में जड़ से समाप्त हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, अगर आपका लीवर खराब रहता है, कुछ भी खाते हैं तो पचता नहीं है, कभी दस्त तो कभी कब्ज बना रहता है, पेट में दर्द, भूख ना लगना और पेट में जलन की समस्या अक्सर बनी रहती है, तो आप सिर्फ 15 दिनों तक रोजाना 150 से 200 ग्राम जामुन खाइए। इससे लीवर तो मजबूत होगा ही, साथ ही लीवर से जुड़ी अन्य समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। अगर आपके दांतों और मसूड़ों से खून आता है, ठंडा गर्म पानी लगता है, दांतों में झंझनाहट होती है या मसूड़े फूल गए हों, तो रोजाना 100 ग्राम जामुन खाइए। साथ ही सुबह ब्रश करने के बाद जामुन की सूखी पत्तियों के चूर्ण से दांतों और मसूड़ों की मसाज करिए। इससे दांतों के सभी रोग 30 दिनों में समाप्त हो जाएंगे, दांत और मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। साथ ही अगर आपके दांत पीले हैं, तो वे सफेद और चमकीले बन जाएंगे। अगर आपका गला बैठ गया है या आवाज भारी हो गई है, गले में छाले हो गए हैं, तो जामुन के 10 से 15 पत्तों को 1.5 गिलास पानी में उबाल लीजिए। इसे थोड़ा ठंडा करके इससे गरारे करिए। मुंह और गले के छाले से आपको तुरंत ही लाभ मिल जाएगा। इस नुस्खे का प्रयोग आप दिन में 3 टाइम भी कर सकते हैं। डायबिटीज या मधुमेह के रोगी के लिए जामुन अमृत है। डायबिटीज के रोगी इस सीजन में रोजाना कम से कम 150 से 200 ग्राम जामुन जरूर खाएं। इसकी गुठली को फेंके नहीं, क्योंकि इसकी गुठली तो फल से भी ज्यादा कीमती है। इसकी गुठली को आप धूप में सुखा लीजिए। जब यह अच्छी तरह से सूख जाए, तो इसे बारीक पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए। जब जामुन का सीजन खत्म हो जाए, तो रोजाना सुबह खाली पेट आधा चम्मच जामुन की गुठली का चूर्ण खाइए। आप चाहे तो शाम को भी आधा चम्मच चूर्ण ले सकते हैं। 30 दिनों में डायबिटीज का स्तर काफी हद तक कम हो जाएगा। ये आजमाया हुआ बहुत ही पुराना नुस्खा है टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही प्रकार के डायबिटीज के लिए। आप सभी जानते हैं कि बरसात के मौसम में फोड़े फुंसियां ज्यादा होती हैं। ऐसे में इस सीजन में जामुन जरूर खाइए। अगर आपको फोड़े फुंसियां होती रहती हैं, तो जामुन जरूर खाइए। जामुन खाने से फोड़े फुंसियां नहीं होती हैं। जामुन खून साफ करता है और त्वचा के रोगों को भी दूर करता है। अगर आपको किसी कारण से खूनी दस्त हो रहा है या जिसे खूनी पेचिस भी बोलते हैं, तो 1 गिलास जामुन का शरबत बनाकर पी लीजिए। खूनी दस्त तुरंत रुक जाएगा, साथ ही पेट में मरोड़ भी तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों को बवासीर है, वे लोग भी जामुन जरूर खाएं। और इसकी गुठली का चूर्ण रोजाना सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ जरूर खाएं। ऐसा करने से कब्ज नहीं होगा, और अगर कब्ज नहीं होगा तो बवासीर की समस्या भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अगर आपका जी मिचलाए, उल्टी आने जैसा प्रतीत हो, तो 1 चम्मच जामुन की गुठली का चूर्ण खा लीजिए। जी मचलाना तुरंत बंद हो जाएगा। दोस्तों, कुछ लोगों को अक्सर मुंह में सफेद और लाल छाले होते रहते हैं, जो कि पेट की गर्मी के कारण होते हैं, या फिर जिन लोगों का पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, तो उनको भी अक्सर मुंह और पेट के छाले की शिकायत रहती है। इस कारण से कुछ भी खाना पीना तो दूर, मुंह खोलने और बोलने में भी परेशानी होती है। ऐसे में जामुन के कच्चे पत्तों को पीसकर इससे गरारे करिए, छाले में तुरंत लाभ मिलेगा। दिन में 3 टाइम ऐसा जरूर करिए, छाले समाप्त हो जाएंगे। साथ ही आधा चम्मच जामुन की गुठली का चूर्ण दिन में 3 टाइम जरूर खाइए। ऐसा करने से पेट की गर्मी समाप्त होगी और भविष्य में कभी भी आपको छाले नहीं होंगे। अगर आपको पथरी है, तो पूरे सीजन भर जब तक जामुन मिले, आप जामुन जरूर खाइए, और सीजन खत्म हो जाए तो इसकी गुठली का चूर्ण दिन में 3 टाइम 1 चम्मच जरूर खाइए। साथ ही जामुन के सिरके में मूली काटकर अचार जैसा तैयार कर लीजिए, खाना खाने के साथ इसे जरूर खाइए। ऐसा करने से पथरी 2 महीने में गल जाएगी, साथ ही पेट से जुड़ी समस्याएं भी जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिए।
ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम को ऐसे ही किसी और जानकारी या घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।